हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो है स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ फॉर एक्ने प्रोन स्किन। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं वो मोस्टली गुड वाइब्स ब्रांड के हैं, एक्सेप्ट दीज टू। और यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डे टाइम स्किन केयर रूटीन की। उसमें मैं आपको फेस वॉश में, आपको क्लींजिंग में रिकमेंड करना चाहूँगी ये मेडिमिक्स 18 हर्ब सोप। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। ये जो सोप है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी बेस्ट है, बिकॉज ये आपके एक्ने को काफी अच्छे से क्योर करेगा, प्रिवेंट करेगा। आप इसे डेफिनेटली एक बार यूज करके देखिए, आपको इसके काफी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मैं आपको फेस वॉश में रेकमेंड करना चाहूंगी ये गुड वाइब्स का नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर फ्री फ्रॉम पैराबेन, सल्फेट्स, मिनरल ऑयल एंड दीज आर ऑल्सो क्रुएल्टी फ्री। मैं बार बार इस बात को मेंशन नहीं करूँगी। इसमें भी नीम है, तो ये फेस वॉश एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज नीम जो है वो भी हमारे जो एक्ने होता है उसे प्रिवेंट करता है, उन्हें होने से रोकता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको फेस वॉश करने के बाद अप्लाई करना होता है टोनर। टोनर में आप गुड वाइब्स का ये नीम एंड तुलसी ग्लो टोनर यूज कर सकते हैं। ये टोनर भी काफ़ी अच्छा है एक्ने प्रोन के स्किन के लिए, बिकॉज इसमें नीम एंड तुलसी है और दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो है बेस्ट वर्क करते हैं एक्नेस के लिए। तो आप इसे यूज करके देखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और टोनर आप कभी भी स्किप मत किया करिए, बिकॉज टोनर जो है आपके पोर्स को क्लोज कर देता है। तो आपको टोनर कभी स्किप नहीं करना, आप ऑलवेज जो है फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई किया करिए। नेक्स्ट मैं आपको मॉइस्चराइजर में ये ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक का जूनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर रिकमेंड करना चाहूँगी। ये जो मॉइस्चराइजर है ये वाटर बेस्ड है, तो ये आपको बिल्कुल भी ग्रीसी या ऑयली नहीं लगेगा अपनी स्किन पर। तो आपकी अगर ऑयली स्किन है एज वेल एज एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट स्क्रब में मैं आपको ये गुड वाइब्स का लाइलैक एक्ने कंट्रोल स्क्रब रेकमेंड करना चाहूंगी। एज इसमें लाइलैक है और ये एक एक्ने कंट्रोल स्क्रब है, तो आपके ये एक्ने को कंट्रोल करेगा। किसी और स्क्रब को यूज करने की जगह आप एक बार इसे यूज करके देखिए, आपको इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको स्क्रब जो है डेली यूज नहीं करना होता, आपको स्क्रब वीक में सिर्फ 2 times यूज करना होता है। नेक्स्ट मैं आपको ये एक मास्क बताना चाहूंगी। ये है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क। चारकोल जो होता है आपके फेस में जितनी भी डर्ट होती है, जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज होती है, उसे जो है कि उसे आपकी स्किन से जो है बाहर निकाल देता है। आपको चारकोल अपनी स्किन पे यूज करना चाहिए, तो आप फेस मास्क में जो है ये एक्टिवेटेड चारकोल गुड वाइब्स का मास्क ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको मास्क जो होता है फेस मास्क, आप वीक में एक बार यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई डे टाइम स्किन केयर रूटीन आपका। अब मैं आपको नाइट टाइम में बताना चाहूंगी आप क्लींजिंग जो अपने फेस की, इनमें से किसी भी कर सकते हैं। देन आप टोनर अप्लाई कीजिए, देन आप मॉइस्चराइजर में इन दोनों में से ये गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी जेल है एंड ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है। आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं नाइट में, एज अ मॉइस्चराइजर आप इन्हें यूज कर सकते हैं। नीम एंड तुलसी भी एक्ने को क्योर करता है, एज वेल एज ये हमारा जो एलोवेरा जेल होता है वो भी हमारे एक्ने को प्रिवेंट करता है। आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें नाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे रेगुलरली, तो आप अपनी स्किन में चेंजेस आपको खुद दिखेंगे। ये आपके एक्ने को प्रिवेंट करेगा, आपके एक्ने को क्योर करेगा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअली रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का रिव्यू मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।